इंसान पहले जंगलों में गुफाओं में रहता था, फिर जब उसने घर बनाना शुरू किया तो पहले पहल गुफाओं को ही घर का रूप दिया, फिर मिट्टी पत्थर आदि का प्रयोग करके घर बनाए। इसके बाद समय आया चूना पत्थर रेत वगैरह का, उसके बाद कंक्रीट और छड़ों का दौर आया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंसान के बनाए सैकड़ों हजारों साल पुराने घर अब भी कायम है। उससे भी बड़ी हैरानी की बात है कि लोग पीढ़ियों से इन घरों में रह भी रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं 10 ऐसे ही पुराने घरों बसाहटों के बारे में। यहाँ अब भी रोशन है 9000 साल पुराने घर। इटालियन टाउन मटेरा का दुनिया की एकमात्र जगह कहा जाता है जहाँ लोग अब भी उन्हीं घरों में रहते हैं जहाँ 9000 साल पहले उनके पूर्वज रहा करते थे। इटली के दूरस्थ दक्षिणी इलाके बेसिलिकाटा में स्थित इस शहर की इमारतें चट्टानों में बनी हैं। एवेरॉन फ्रांस में स्थित यह घर 13वीं सदी में बनाया गया था। इसकी ऊपर की मंजिलों का एरिया ज्यादा है, ऐसा टैक्स बचाने के लिए किया गया था क्योंकि उस जमाने में फ्रांस में टैक्स की गणना ग्राउंड फ्लोर के एरिया के हिसाब से होती थी। ईरान के उत्तर पश्चिम इलाके में स्थित कुंडोविन के घर कम से कम 800 साल पुराने हैं। ज्वालामुखी से बनी चट्टानी गुफाओं में फिलहाल 168 परिवार रहते हैं। यह गुफा घरों में दुनिया की सबसे बड़ी बसाहट है। यरूशलम के वादी क्वेल स्थित सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स मॉनेस्ट्री, इसका निर्माण ईस्वी सन 480 में हुआ था। यहाँ अब भी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स मॉन्क रहते हैं। दक्षिण मध्य ईरान के मियामांड में प्राचीन गुफा घर, यहाँ 3000 साल से लोग लगातार रह रहे हैं। 2006 में हुई पिछली जनगणना के अनुसार इन गुफा घरों में 673 लोग रह रहे थे। न्यू मेक्सिको कार कोमर प्यूब्लो एकोमा समुदाय के लोग यहाँ 1150 सेकंड रह रहे हैं। इसे नॉर्थ अमेरिका की सबसे पुरानी निरंतर आबाद रही बासाहत माना जाता है। फिलहाल मिट्टी के इन घरों में पूरे समय रहने वाले सिर्फ 50 लोग रह गए हैं। ये लोग नल बिजली और सीवेज सिस्टम के बगैर भी यहाँ टिके हुए हैं। तुर्की में एंटाकिया के निकट चर्च ऑफ सेंट पीटर, संसार के सबसे पुराने चर्चों में से एक, चट्टानों को काटकर चौथी या पांचवी सदी में बनाया गया था। 2015 में सुधार कार्य के बाद यहाँ फिर से चर्च शुरू हो गया है। फेरी आइलैंड में स्थित किर्जो बोइरगेर और 11वीं सदी में बने इन घरों को दुनिया के सबसे पुराने वुडन हाउस माना जाता है जहाँ आज भी लोग रहते हैं। फिलहाल यहाँ पेटरसन फैमिली की 17वीं पीढ़ी रह रही है। इस परिवार ने यहाँ रहने की शुरुआत 1550 में की थी। ब्रिटेन के समरसेट रीजन में साल्ट फोर्ड मैनो पत्थरों से बनाए यह घर 1150 सेकंड भी पहले का है। इसके वर्तमान मालिक ने इसे 2010 में खरीदा था। कीमत थी लगभग 10 करोड़ रुपए।